अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी। आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें क्रीम ऐड कर दी है मैंने 200 ml। अब हम क्रीम को बीट करेंगे। क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1/4 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम इसे बीट कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। और इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक कि क्रीम हमारी साइज़ में डबल ना हो जाए। मैं इस डिज़र्ट को चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो वनीला या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी आप इसे बना सकते हैं। क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। एक सर्विंग डिश ले ली है मैंने। सबसे पहले हम चॉकलेट केक की एक लेयर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेन चॉकलेट केक ले लिया है, उसकी मैंने एक लेयर लगा दी है। और इसे मैं सोक करूँगी शुगर सिरप से। सिंपल वाटर में मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करके अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। चॉकलेट केक को हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे ताकि केक हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। केक अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब हम इस पर सेकेंड लेयरिंग करेंगे चॉकलेट क्रीम की, जो हमने रेडी करी है। और इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से हम तमाम साइड्स पर फैला देंगे। और अब मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी चॉकलेट चिप्स। 2 अदद बनाना ले लिए हैं, उसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इसकी भी हम एक लेयर लगा देंगे। चॉकलेट के साथ बनाना का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। दोबारा से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। केक की फिर से एक लेयर लगा देंगे, इसे अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। केक को हमने अच्छे से सोक कर लिया है। और अब मैं दोबारा से इसके ऊपर चॉकलेट क्रीम की एक लेयर लगा देंगे और स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बनाने के स्लाइसेस इसके ऊपर रख दिए हैं और चॉकलेट चिप्स से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। और इसके ऊपर मैं ड्रिजल कर दूंगी चॉकलेट सिरप। और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बनाना चॉकलेट केक डिज़र्ट हो चुका है हमारा रेडी। 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। तो देखिए डिज़र्ट हमारा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी सा हमारा ये डिज़र्ट रेडी हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।